अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बना रही हूँ सिवैयों वाली खीर, और यहाँ पर इलायची है 3 से 4 अदद, और यहाँ पर मेरे ख्याल में ये किशमिश है 1 कप, शुगर, और यहाँ पर गरी है, और यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ दूध भी ले लिया। तो चले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी रेसिपी शेयर करते हैं आप सब लोगों के साथ। और यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच आधा जो है मैंने इसमें देसी घी का डाला है। तो आग जो है आपकी बिल्कुल ही स्लो होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। तब मैं डालूँगी इसमें सिवैयाँ। इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा लाल होने लग जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। हल्का हल्का पानी से भूनते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आ रहा है इनका, और ये अपना आहिस्ता आहिस्ता से कलर भी चेंज कर रहे हैं। और ऐसे जो हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारी बराबर से अच्छी तरह से कलर इनका आ जाए, बराबर कलर आ जाए। अगर हम एक ही जगह पर चम्मच हिलाते रहेंगे तो एक साइड से उनका कलर आएगा और दूसरी साइड से उनका कलर नहीं आएगा। इस तरह से आधी जो होंगी वो वाइट रह जाएंगी और आधी जो होंगी उनका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हल्की हल्की ब्राउन हो गई हैं। अभी जहाँ ये ब्राउन हो चुके हैं तब मैं इसमें डालूँगी दूध 1 kg जो कि मैंने बॉइल किया हुआ है। और दूध जो आपने डालना थोड़ा थोड़ा, और साथ ही साथ हमें चम्मच भी लाते रहेंगे। दूध डालने के बाद जो है अभी मैं इसमें डालूंगी बाकी चीज़ें, किशमिश जो कि मैंने वॉश की हुई थी, नारियल, इलायची, और 1 कप जो था शुगर वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ ही साथ चम्मच भी लाते जाएंगे। तो अभी जो है माशाल्लाह से दूध डाल के सब चीज़ें डाल के ना मैं अभी इसे देने लगी हूँ, करने लगी हम इसे कवर। जब दूध बॉयल होने लग जाएगा तो हमें देखना है, चेक करेंगे कि सिवैयाँ पक गई हैं कि नहीं। अब आपकी जो है बिल्कुल ही स्लो होनी चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल ही 0 पर कर दी है, बिल्कुल ही स्लो कर दिया। मैं अपनी मगरिब की नमाज पढ़ लेती हूँ। और फिर जो है माशाल्लाह से हमारी सिवैयाँ बिल्कुल ही रेडी हो चुकी हैं। तो अभी जो हम करते हैं डिश आउट, और कहती हूँ कि आज की रेसिपी आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप सब लोगों को कैसी लगी। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके भी देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आप सब लोगों को कैसी लगी। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, तो एक बार आप भी ट्राई करके बताइएगा कि कैसी बनते, बहुत ही मज़े की। अभी जो है मैं डिश आउट करके आ गई हूँ कटोरी में लेके रुखसार, रुखसाना, महम और ईमान। चलो भाई तुम सब जो है ना चेक करके बताओ कि कैसे है बनी है सिवैयाँ। मेरी बचपन से याद आता है कि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ थैंक यू। ईमान तुम बताओ, हाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छा, तो बचपन से मेरी एक आदत है कि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना सबसे पहले अपने सिस्टर्स को चखवाती हूँ कि कैसी बनी है। अब आप सब लोग पसंद आई हैं जी। और ये सिवैयाँ की रेसिपी किसको ज़्यादा पसंद है, ये डिश सबको पसंद है। हाँ ये दूध वाली बनी हुई है ना, दूध वाली मुझे ज़्यादा पसंद है। और मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पापा को दूध वाली फेवरेट है, और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
अब वो कहते हैं जब मैं ना छोटा होता था ना, अपनी नानी के घर जाता था ना, वो लोग कहते कुछ खाते, अब्बू कहता था मेरे लिए ना सोया बनाओ दूध वाली। जब बनाती थी ना, फिर अम्मा आ जाती थी, कहती तुम क्यों खा रहे हो, कहते हैं उन्हें डॉक्टर ने रोका होता ना आप ज़्यादा मीठा ना खाया करो, फिर ना उन्हें सिवैया पसंद जाती है। अब उन्हें कहा मैं ऐसे झूठ बोलकर खा लेता था, मम्मा अम्मा को नहीं बताता कि ताकि मैंने खाई है सिवैया। अच्छा, मतलब यूं कह रही हो कि अब्बू कहते थे कि मैं ना अपनी किसको अम्मा को ना बताऊं, अम्मा को ना बताऊं, क्योंकि अभी अम्मा को और मिलेंगी तो अम्मा मुझे उसमें से हिस्सा देगी। हाँ। अगर मैं बता दूंगा कि मैंने खा लिया तो अम्मा मुझे हिस्सा नहीं देगी। अच्छा नहीं देगी। अच्छा, आप सब लोग एक कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ये आदत किस किस में है, ठीक है? क्योंकि अक्सर मैंने बहुत जगहों पर कॉपी किया है कि ना, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ना चीज़ खा लेते हैं और फिर जब पूछने पर पूछता है कोई कि तुमने खा लिया कि ये लो तुम्हारा हिस्सा, फिर कहता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं खाया, आपको किसने कहा कि खाया, मैंने तो खाया भी नहीं है, मैंने अभी तक चखा भी नहीं है। और ईमान भी ऐसे करते हैं ना, ईमान को कोई चीज़ दो ना, ईमान कहती है मैंने खा लिया, फिर बाद में जब इसे हम पूछते हैं कि तुमने खा लिया ना, अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कहते हैं मैंने खाया भी कहाँ है, मैंने चखा भी कहाँ है, ऐसे कहते हैं। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर बताइएगा। ये वाली रेसिपी आप सब लोगों को कैसी लगी? अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।